हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल की। ये मैंने कुछ दिन पहले फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, मेरे पास आज ही डिलीवर्ड हुआ है। इसका मैं रैपर ऑलरेडी हटा चुका हूँ बाहर की जो पैकिंग थी, बिकॉज ऑफ सैनिटाइजेशन। अब इसको बॉक्स में से निकालना बाकी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए ये लिखा हुआ दिख जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल, और मॉडल नंबर है ये SF400। चारों साइड सेम ब्रांड का नेम है और पीछे इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं। ये जो मॉडल है ये 10 kg × 1 g वाला मॉडल है। बाकी चीज़ें इसमें, ये पावर बैटरी शायद इसमें इंक्लूडेड होगी, ओवरलोड इंडिकेटर है, मोड फंक्शन है, डिफरेंट ग्राम और OZ जो है आप इसमें सेट कर सकते हैं। OZ जो है आउंस की फिगर होती है, हम लोग इंडिया में इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बाहर कंट्रीज़ में ज़्यादातर आउंस ही यूज़ होता है या फिर पाउंड्स यूज़ होता है, हमारे यहाँ तो केजीज में बात होती है या ग्राम्स में बात होती है। चलिए इसके अंदर देखते हैं मशीन में क्या आया है और ये कैसे काम करता है। बबल रैप के साथ दिया है, इसको निकाल लेते हैं, साथ में ये बबल रैप अलग कर देते हैं। एक आया है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, डिजिटल किचन स्केल इंस्ट्रक्शन, मशीन बनी हुई है, पीछे ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। इसका आपको कुछ देखना है तो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको अब अलग कर देते हैं, और हाँ ये दो बैटरी साथ में आई हैं, डबल ए साइज़ की बैटरी हैं इसमें, और पता नहीं कौन सा ब्रांड है, कोई लोकल ब्रांड ही है ये जो साथ में है। मशीन के साथ भी कोई वारंटी दोस्तों आपको मिलती नहीं है, तो ये वही वाला हिसाब है, चाइना का आइटम है, जब तक चल रहा है ठीक है, जब ख़राब हो जाए तो इसको बस एक ही चीज़ में यूज़ करते हैं, डस्टबिन में फेंकने के लिए। मशीन की बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ठाक लग रही है, मॉडल नंबर लिखा है, बटन्स हैं ऑन एंड ऑफ मोड एंड टेयर का, टेयर का मीनिंग और यूज़ मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या होता है। पीछे ये स्टिकर लगा है एक वॉल हैंगिंग के लिए, इसको पता नहीं क्यों दिया है इन्होंने, शायद यूज़ करने के लिए कि ईजी उठाने के लिए कहीं आपको रखना है, हैंडी रहे। और ये सेल डालने के लिए, बैटरी डालने के लिए जगह है। चलिए इसके अंदर बैटरीज डालते हैं, इसके दो बैटरी लगेंगी इसमें, यही डबल ए साइज़ की। मुझे ये इसका ये अच्छा लगा है कि ये लॉक सिस्टम अच्छा है, कि इससे सेल बाहर नहीं निकलेंगे। ये डाल दिया, और देखते के साथ ही, इसमें डालते के साथ ही जो है लाइट ऑन हो गई है पीछे, इसको पीछे कवर लगा देते हैं, चेक कर लेते हैं कि ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये सेट हो गया है, इसको एक बार ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं तो ये दोबारा अपने ज़ीरो फिगर पे, नॉर्मल वेट पे आ जाएगा। तो इसका अब देखते हैं कि इसमें ये कितना एक्यूरेट वेट बताता है। इस मशीन में दोस्तों बहुत सारी चीज़ों का वेट किया जा सकता है, मैक्सिमम जो वेट लिमिट है इसमें 10 kg की दी है, लेकिन 10 kg तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रखने की भी जगह होगी, तो हार्डली कुछ ग्राम्स की या कुछ kg की चीज़ें ही आप इसमें वेट करके चेक कर सकते हैं। कि कुछ खाने में कुछ डालना होता है, जैसे प्रोपोर्शन आपको देखना है कि करेक्ट 100 ग्राम 150 ग्राम, या गोल्ड का कुछ वेट करना है या कुछ मोबाइल का कुछ वेट करना है घर में, तो घर में चीज़ होनी चाहिए ये वाली, तो इसलिए ये ऑर्डर करिए। ये देखिए मेरे पास एक मैगी का पैकेट है, मैगी का पैकेट अराउंड लगभग 70 ग्राम्स का, राइट, हाँ 70 ग्राम्स के करीब का होता है। तो अब देखते हैं कितना एक्यूरेट इसका वेट बताता है मैगी का। ये देखिए इसको दोबारा दिखाता हूँ, ये 70 ग्राम्स का इस पर मार्किंग है पैकेट पे। अब इसको रख के 74 ग्राम्स, लगभग लगभग अराउंड 4 या 5 ग्राम्स का डिफरेंस आ रहा है वेट का, विच इज़ नॉट बैड। आप इस चीज़ को अगर, जैसे आप, मुझे ये पता चल गया है कि इसमें 4 ग्राम का ज़्यादा वेट बता रही है, तो आप किसी भी चीज़ को अगर एक्यूरेट आपको देखना है तो आप उसमें 4 या 5 ग्राम का डिफरेंस लेके, प्लस या माइनस में लेके
चल सकते हैं। और दोस्तों जो इसकी प्राइस है वो मैं आपको एंड में बताता हूँ, इस प्राइस में अगर ये 4-5 ग्राम ऊपर या नीचे भी बता रही है तो मैं समझता हूँ कुछ इसमें ऐसी गलत बात नहीं है। ये देखिए 74 ग्राम्स की ये मैगी का पैकेट को बता रहा है। अब कुछ और वेट करके देखते हैं। ये बिस्किट का पैकेट मैंने लिया है, ये कितने ग्राम का है, ये अराउंड 150 ग्राम का है। चलिए इसका वेट करके देखते हैं ये कितना एक्यूरेट बताता है। ये देखिए इसका ये 9 ग्राम्स एक्स्ट्रा बता रहा है इसमें, तो अच्छी बात है। 150 ग्राम का कंपनी क्लेम कर रही है, 159 ग्राम आपको मिल रहा है इसमें, ये ठीक है। अब इसके फंक्शन के देखते हैं कि ये क्या क्या इसमें बटन और ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑन एंड ऑफ़ का तो ये आप देख ही सकते हैं, इसमें ऑफ़ कर दिया, ये दोबारा से ऑन कर दिया। ये इसमें मोड आप चेंज कर सकते हैं ग्राम और आउंस के, ओजेड ये आउंस में आ गया। अब इसको देखते हैं, 150 ग्राम अराउंड जो है अराउंड 1 आउंस जो है 28 ग्राम के करीब होता है। देखते हैं इसमें आउंस में वेट करने पे ये कितना आता है। देखिए 5.6 आउंस का बिस्किट का पैकेट आ रहा है जो हमारा 159 ग्राम शो कर रहा था। ऐसे ही दोबारा से मैगी का पैकेट का देखते हैं ये कितना बता रहे हैं, जस्ट 2.6 आउंस। ठीक है, अब ये तो हो गया दोस्तों इसका वेट का बता दिया है मैंने आपको कि कितना सही बता रहा है इसका। अब देखते हैं इस बटन का क्या फंक्शन है इसको, लेकिन उससे पहले हम दोबारा से मोड चेंज कर लेंगे, उसे दोबारा से ग्राम में ले आएंगे। ये देखिए ग्राम में आ गया, और फॉर द सेफर साइड इसको एक बार दोबारा ऑफ करके ऑन कर लेंगे। अब ये देखते हैं टेयर का क्या फंक्शन है। टेयर का फंक्शन ये है दोस्तों, जैसे आपको किचन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इसके ऊपर कुछ बोल रखना चाहते हैं, सपोज़ करिए मैंने इस पर ये मेरे पास बोल है, ये मैंने इस पर ये बोल रख दी, ये बोल देखिए, ये बोल अराउंड 125 ग्राम का वेट कर रही है। ठीक है, अब मुझे इसी बोल के अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट या कुछ खाने की चीज़ इसमें डालनी है, तो मुझे क्या करना है, मैं बोल का वेट तो करूँगा नहीं, ठीक है, तो मैं इसको टेयर के बटन को एक बार प्रेस करूँगा। ये देखिए ये प्रेस करते के साथ ही बोल का वेट इसने 0 कर दिया। अब इसकी एक्यूरेसी दोबारा से ही चेक करने के लिए, बोल का वेट इसने 0 कर दिया है, लेकिन बोल ये इसके ऊपर रखी हुई है। ये देखिए सेम ग्राम का वेट ये दोबारा से दिखा रहा है, 74 ग्राम का मैगी का पैकेट का वेट। तो यही इसका फंक्शन है मेन। और देखिए अब मैं इसको बोल को हटाऊंगा तो ये माइनस में बोल का वेट ही दिखाएगा, देखिए माइनस का साइन दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। और इस चीज़ को दोबारा से रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, बोल हटानी है, डायरेक्ट ऑफ कर देना है, डायरेक्ट ऑफ कर दिया। अब देखिए दोबारा से वही 74 और 75 ग्राम का इसमें वेट आ गया है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो वेट स्केल का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और इसके रिगार्डिंग आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बी सेफ, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू।